आज हम करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2023 की रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 न्यू जनरेशन का 1 लीटर माइलेज टेस्ट। आज हम इस बाइक को 40 से 50 किलोमीटर चलाने वाले हैं सिटी प्लस हाईवे में और देखेंगे कि ये बाइक आपको अधिकतम 1 लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है पहली सर्विस होने से पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो ट्रिप 1 है वो मैंने 0 कर दिया है, ट्रिप 2 को भी मैंने 0 कर दिया है और अभी मैं आपको इसका पेट्रोल टैंक भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पेट्रोल टैंक है वो यहाँ तक पूरा का पूरा मैंने ऊपर तक फिल करा दिया है। इसको कुछ किलोमीटर चलाएंगे 40-50 जितना हो सकेगा, फिर उसके बाद हम इसमें दोबारा से पेट्रोल डलवाएंगे ऊपर तक, यहाँ तक अभी इस कंडीशन में डला हुआ है। तो फिर इसके बाद इसका जो रियल माइलेज है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेट्स गो। गजब, आज आने वाली जो स्टैंडर्ड आती थी उससे तो बहुत ज़्यादा रिफाइन है यार, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये बुलेट है। सच बताऊं तो भाई एक लाइन में ना ये पुरानी वाली बुलेट वाला फील नहीं है। देखो अगर आप खरीदते हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो और आपके मन में ये डाउट है कि भाई अगर आप इसमें साइलेंसर चेंज करा के इंदौरी लगवा लोगे या फिर शॉर्ट पंजाब, लॉन्ग पंजाब या जो भी होता है ढोलकी वाला होता है, या फिर आप इसमें पटाखे वगैरह मारने की सोच रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें भूल जाना। क्यों, चाहे आप कितने भी साइलेंसर चेंज करा लो, इसकी जो आवाज़ है वो क्लासिक जैसी आपको मिलेगी। जो पुरानी वाली जो बुलेट वाली जो दुग-दुग थी वो आपको इसके इंजन से बिल्कुल भी फील नहीं आने वाली है। नई वाली बुलेट 350 में एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है क्लासिक रिवॉन के मुकाबले, वो ये है कि भाई इसका जो गियर रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब वो कैसे अच्छा है कि ये जो बाइक है नई वाली बुलेट जो है वो 40 की स्पीड में आप इस बाइक को 5वें गियर में चला सकते हैं। कोई भी इंजन के गियर बॉक्स से आपको नॉकिंग जैसी साउंड या खटखट जैसा साउंड आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। लेकिन 5.1 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये जो न्यू जनरेशन बुलेट 350 स्टैंडर्ड है ये 1,97,000 की एक्स शोरूम आ रही है और ये जो बाइक है वो ऑन रोड आपको कोलकाता में मिल जाती है 2,28,990 रुपये की, मतलब कि मोटा मोटी 2,29,000 की ऑन रोड है। और दिल्ली में इसकी जो ऑन रोड है वो है 2,26,000 के आसपास। और जो कलर है ना वो स्टैंडर्ड वाला जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इस कलर की, इसके पेट्रोल टैंक के ऊपर में ये जो गोल्डन कलर की जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो 9.7 किलोमीटर बाइक चल चुकी है हमारी बाइक। यहाँ दक्षिणेश्वर वाले मोड़ से हम यू टर्न ले रहे हैं। फिर देखो भाई बेलगरिया एक्सप्रेस वे पर यहाँ पर एक्सयूवी 700 का पीछे वाला जो हिस्सा था ना एकदम कचूमर बन गया है। जितनी भी बाइक रॉयल एनफील्ड कंपनी बनाती है उन सभी बाइक की अपेक्षा इस बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो हमेशा हाई रहती है, हमेशा इसकी जो डिमांड है वो बढ़ी रहती है। तो भाई बाइक हमने चला दी है 23.2 किलोमीटर, 23 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने बाइक को चला दिया है। जो पुरानी वाली स्टैंडर्ड 350 आती थी जो बंद हो गई है उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप बाइक का हैंडल छोड़ते थे ना तो बाइक एक ही साइड में भागती थी, चाहे लेफ्ट में हो चाहे फिर राइट में हो। ये देखो मैंने हैंडल छोड़ दिया है बाकायदा और भाई बाइक का जो हैंडलिंग है ना एक नंबर की है और आप देख सकते हैं बाकायदा मैं हाथ छोड़कर चला रहा हूँ और बाइक एकदम स्ट्रेट चल रही है, कोई भी लेफ्ट में ना राइट में कोई भी, मतलब इसके हैंडलिंग में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। 32 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिए बाइक, ये देखो मैंने 39.2 किलोमीटर बाइक को चला दिया है और ये बाइक का जो इंजन है वो हल्का सा हीट भी हो गया है। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ रियल वाला, अभी ये आइडल कंडीशन में है। ये इंजन का साउंड है, कोई भी टैपेट की आवाज़ नहीं है। ये देखो थंप अभी कम है, जब ये 2000 किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद जो थंप है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हैवी साउंड हो जाएगा। 42.3 किलोमीटर बाइक को हमने चला दिया है। तो भाई बाइक मैंने चला दी है 53 किलोमीटर, चलिए हम आ चुके हैं भाई। तो भाई बाइक मैंने चला दी है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर बाइक अभी चल चुकी है और टैंक आपको दिखा देता हूँ कितना खाली हो चुका है। ये देखो खाली तो हो गया है बहुत, अब देखेंगे इसमें कितना पेट्रोल और आ सकता है, धीरे धीरे डालना। में 600 ml आ चुका है, 700 हल्का सा डालो,
और डालो थोड़ा थोड़ा सा और डाल दो बस। तो इसमें आया है 1 लीटर 340 ml। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको न्यू जनरेशन बुलेट 350 का माइलेज कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इस बाइक ने आज हमको इकोनॉमी जोन में चलाने पर, 40 से 50 की स्पीड में चलाने पर कितना माइलेज दिया है। सबसे पहले रीडिंग आप देख सकते हैं 54 किलोमीटर, मतलब कि आज मैंने इस बाइक को 54 किलोमीटर चलाया है। इतना चलाने के बाद मैंने इस बाइक में अभी जस्ट पेट्रोल भरवाया है 1 लीटर 340 ml, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 54 डिवाइड बाई 1.34 किलोमीटर इक्वल, तो भाई इसने 40.29, तो भाई इसने तो 40 का माइलेज दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है भाई। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि ये जो न्यू जनरेशन वाली जो बुलेट स्टैंडर्ड है, ये आपको क्लासिक रिवॉन से भी ज़्यादा माइलेज देने वाली है। अभी तो इसकी पहली सर्विस नहीं हुई है भाई, जब इसकी पहली वाली सर्विस हो जाएगी ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 42 या 43 का भी आपको हाईएस्ट माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो 40 का हमें आज इस बाइक से जो माइलेज मिला है, इसमें जो कंडीशन ये है कि मैंने इसको 20 किलोमीटर लगभग हाईवे पर चलाया था नॉन स्टॉप, और साथ में लगभग 15 से 20 किलोमीटर मैंने आज इस बाइक को जो है वो तकरीबन सिटी में चलाया था, जहाँ पर तकरीबन 7 से 8 रेड सिग्नल पर मुझको जो है वो रुकना पड़ा था। अब देखा जाए तो इस हिसाब से इस बाइक का जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है भाई। तो भाई आपको अगर ये बाइक लेनी है तो आप ख़रीद सकते हैं। तो भाई 350 cc के इंजन में अगर आपको 40 का माइलेज निकाल कर दे रही है, वो भी 40 से 50 की स्पीड में पहली सर्विस होने से पहले, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाला माइलेज है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और फाइनली ये जो बाइक है बुलेट 350 न्यू जनरेशन, ये मैंने 2 दिन पहले ही ख़रीदी है, जो क्लासिक थी वो मैंने बेच दी है। तो इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक होकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर devmdr01 पर भी आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और devmdr चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।